नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र मारू, जन सरोकार मंच टॉक की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, कोटा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जगत नारायण जी। आप कोटा के जाने माने व्यक्तित्व हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। की बातचीत का सिलसिला हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतिहास के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम, इतिहास में इतना डूबना, ये जर्नी जो यात्रा है ये कहाँ से आपकी प्रारंभ हुई सर? ये तो ये माने कि बचपन से ही कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जी कि इतिहास से प्रेम था और जानने की जिज्ञासा जी, जानने की जिज्ञासा ही इतिहास के प्रति जिज्ञासा पैदा करती है और ये बचपन से ही पारिवारिक वातावरण से ही चल रही थी। फिर बाद में स्कूल डेज में स्टैम्प कलेक्शन करने कलेक्ट करता था तो उसमें अनेक जगह की जानकारियाँ, व्यक्तित्व की जानकारियाँ होती थी जी, उससे इतिहास में और ज़्यादा रुचि बढ़ गई। लेकिन कुछ परिवार में ऐसा था कि मैं इंजीनियर बनूं तो साइंस मैथमेटिक्स में मुझे एडमिशन दिलाया गया, मैंने इंटरमीडिएट साइंस भी कर लिया। अच्छा। और इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया जी। लेकिन उस समय अचानक फिर मन में न जाने क्या आया कि नहीं, ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और फिर मैंने उसको उधर जाने की जगह बीए ज्वाइन कर लिया, इतिहास विषय ले लिया जी। और फिर इसके बाद तो इतिहास ही इतिहास हो गया। बिल्कुल सर, इतिहास में इस तरह से जाना। और एक और यहाँ पर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि वर्तमान किस प्रकार से इतिहास से कनेक्टेड है। जैसा कि कहा भी गया है कि वर्तमान इतिहास की गोद में ही खेलता है। इतिहास से तो अलग कोई कहीं कुछ हो भी नहीं सकता। हर चीज का इतिहास है, हर बात का इतिहास है। तो इतिहास तो आदमी के अंगांग से जुड़ा हुआ है और इतिहास ही सिखाता है कोई सीखना चाहे तो, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसी से ही सब कुछ ज्ञान मिलता है। अच्छे भी और बुरे भी, बुरा करने वाले बुरे भी लेते हैं, अच्छा करने वाले अच्छा भी लेते हैं, लेकिन सीखने वाले इससे सीखते हैं जी। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है और दशहरा है और हमारे सभी ऑडियंस दर्शकों को हम दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कोटा का दशहरा भारत का विख्यात दशहरा है। कोटा का जो दशहरा है उसका ऐतिहासिक परिपेक्ष क्या रहा होगा, किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि क्षत्रियों का या राजपूतों का मुख्य पर्व दशहरा होता है जी। और जहाँ भी क्षत्रिय होते हैं जी, वो रावण वध का, और जगह रावण जलाने की परंपरा होती है लेकिन कोटा में रावण वध का था। और जैसे कि कोटा स्थान बना, कोटा का स्थापना हुई जी, और यहाँ पर जागीरदार बन के आए, शासक बन के आए और बाद में राजा बन के आए, तो जिस दिन से कोटा की स्थापना उस दिन से दशहरे की परंपरा तो यहाँ प्रारंभ हो गई है जी। और जब शासक यदि कहीं इस काम को करने जाता है जी, तो जनता में अपने आप ही एक रुचि हो जाती है उसको देखने की जी। तो जैसे कम आबादी थी तो कम लोग आते थे, आबादी बढ़ती गई तो आबादी, लोगों का आना जाना ज्यादा होता गया जी। जब ज्यादा आना जाना लोगों का चालू हो गया तो अपने आप दुकानें लगने लग जाती हैं, दुकानें लगने लग जाती हैं तो मेला बन जाता है जी। और इस तरह से 1371 ईस्वी में जब कोटा की स्थापना हुई जी, तभी से मैं यहाँ पर दशहरे की परंपरा की स्थापना मानता हूँ। और चूंकि यहाँ की परंपरा रावण वध की थी तो उसी समय से हम रावण वध की परंपरा मानते हैं जी। और इसके रूप जाने इतने सालों में 700 साल, 650-700 सालों में जी, कितने बदल चुके उसकी तो कोई बहुत बड़ा लेखा जोखा हमारे पास नहीं है जी। लेकिन यूँ है कि धीरे धीरे करके कालांतर में ये बहुत प्रसिद्ध होता गया जी। और जो डेट्स बदलाते हैं ये कोई प्रामाणिक नहीं है जी। कब तो कभी कम भी हो जाता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था जी, कभी बढ़ जाता था। तो लोगों की रुचि, शासक की रुचि, इसके हिसाब से ये कम ज़्यादा चलता रहा जी। जैसे लोग अभी अखबारों में छाप देते हैं
127 साल पुराना जी, है जी। मेरे पास रिकॉर्ड है जी कि संबत 1844 में मीन 1787 ईस्वी में जी इस दशहरे मेले के लिए दुकानें लगाने के लिए देश भर में करीब 68 स्थानों पर संदेश भेजे गए। उन स्थानों में दूरस्थ स्थान जैसे पूना, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली, सभी जगह के व्यापारी थे। इतने जगह के व्यापारी आएंगे तो नेचुरली बहुत बड़े मेले का रूप रहा होगा जो 1787 ईस्वी का है जी। तो लोग कहते हैं कि 127 साल पुराना ये सब ऐसा कोई प्रामाणिक नहीं है नहीं। और हमारे पास में नहीं है कि किस दिन से चालू हुआ, किस दिन बढ़ा, किस दिन घटा, लेकिन ये प्रामाणिक है कि 1787 में 68 स्थानों पर निमंत्रण भेजे गए। इसका मतलब मेले का रूप बड़ा था जी। लेकिन इस मेले के रूप को और भी बड़ा रूप कोटा के महाराज उमेर सिंह द्वितीय ने दिया जी। जिनका कार्यकाल 1889 से 1940 ईस्वी था जी। और 1932 में एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इसको और भव्य तरीके से मनवाना चालू किया जी। तो तब से दशहरे का और भी रूप में निखार आया और भी रूप बढ़ाया। पहले 7 दिन का बताते थे, अब लगभग करीब 1 महीने तक ये दशहरा मेला और चलता है। और दशहरा मेले का प्रारंभ रावण वध से होता है जी। और जैसे रावण को पुतला बनाकर जलाया जाता है, लेकिन कोटा में रावण वध की परंपरा थी और वो भी एक विशिष्ट किस्म की, न केवल कोटा बल्कि कोटा के आसपास जो बड़े बड़े स्थान हैं, केशवराय पाटन है, झामला पाटन है जी। और कैथून है और ऐसे कई जगह हैं जहां पत्थर के बुत बनाए रहते थे, रावण के, कुंभकर्ण के, मंदोदरी के, मेघनाथ के जी, उनके भाइयों के, इस तरह से 5-7 पुतले पत्थर के ऊंचे बने रहते थे जी। उनके ऊपर फिर लकड़ी का रावण, लकड़ी के पुतले बनाए जाते थे और उन लकड़ी का रावण को हाथी जाकर गिराता था। अच्छा। और गिराने से पहले उस पुतले के बीच में होता था एक तरह से जिसको अपन बोलते हैं छेद होता था जिसमें घड़ा रखा जाता था जी। उस घड़े में कहते थे कि हम आज के पेट में अमृत है, तो पेट की जगह पर वो घड़ा होता था और वहाँ महाराज जो राजा होते थे वो तीर चलाते थे तो घड़ा फूट जाता था, वो पानी निकल जाता था, इसका मतलब उसका अमृत निकल गया और उसका वध हो गया। इसके बाद हाथी जाता था, हाथी लकड़ी के जो ऊपर उस पत्थर के ऊपर लकड़ी होती थी उसको खींचता था तो बहुत सारे सैकड़ों मन लकड़ी जो जिसका वो मुंह बनता था वो गिरता था। और इसके बाद में छोटी जाति के लोग होते थे, उस लकड़ी को लूट लूट कर अपने घर ले जाते थे। तो इस तरह से रावण वध होता था। तो हमने बचपन से खूब देखा है रावण वध। अभी बाद में जाने क्यों किस तरह से कहाँ कैसे गलत आदमी आ गए जिन्होंने इस परंपरा को बंद कर दिया, लेकिन ये कि एक तरह से यूनिकनेस है जी, खासियत है कोटा के दशहरे की, वो यही है कि रावण यहाँ जलाया नहीं जाता, रावण का वध किया जाता है। और रावण के वध के वध में भी पत्थर के बुत के ऊपर लकड़ी का रावण का मुंह बनाया जाता था और उसको गिराया जाता था और रावण के नाभि में जो अमृत कुंड होता था उसको बाण से तोड़ा जाता था और अमृत को निकाला जाता था। इस तरह से रावण का वध होता था। वध होता था। तो यहाँ रावण वध परंपरा थी। और एक बात और थी जी कि यहाँ रावण तो एक और इसके आगे विशेषता ये थी कि 1761 ईस्वी में यहाँ मांगरोल के पास भटवाड़ा जगह है जी, वहां पर जयपुर की सेनाओं को कोटा की सेनाओं ने बहुत बुरी तरह से हराया था जी। और यहाँ तक हराया था कि उनके हाथ ही घोड़े निशान वगैरह सब छीन लिए और जयपुर का पचरंगा झंडा भी छीन लिया जी। तो पचरंगा झंडा लगा करके कि ये रावण का प्रतीक है, तो पचरंगा झंडा दशहरे पर लगाया जाता था और बाद में हटा दिया जाता था। तो इस तरह की भी एक परंपरा यहाँ पर रही थी। और इससे भी एक और जिसमें विशिष्टता जुड़ी ये थी कि महाराव की सवारी जो रावण वध के दिन सवारी निकलती थी वो सवारी बड़ी भव्य होती थी और उस सवारी में महाराव हाथी पर चांदी के होदे में बैठते थे
उनके आसपास जागीरदार चलते थे, पूरी सेनाओं की टुकड़ी चलती थी, घुड़सवार सेना, ऊंट सेना चलती थी, हाथियों पर निशान होते थे, राज के जितने भी उपक्रम निशान होते थे और राजा के साथ जो चलने वाले साज सामान होते थे वो चलते थे, फिर मनोरंजन करने वाले जांगर भांड वगैरह चलते थे। इस तरह से बहुत ही विशिष्ट एक सवारी चलती थी और सवारी को देखने न केवल कोटा नगर के तो आसपास के हजारों हजारों लोग आते थे। बहुत बड़ा एक तरह से एकत्रीकरण होता था और वो सबसे बड़ा भव्य स्वरूप होता था दशहरा मेले का। तो ये तो दशहरा मेला हुआ। फिर यहाँ पर क्योंकि राजपूतों का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा है जी, इसलिए यहाँ पर 9 दिन तक दशहरा उत्सव चलता है। आश्विन शुक्ला पंचमी से लेकर आश्विन शुक्ला 13 तक 9 था, करीब 5-6 सवारियां निकलती थी और 5-6 दरी खाने होते थे जी। जैसे पंचमी के दिन महाराज साहब डाढ़ देवास की पूजा करते थे और पहले पुराने जमाने में तो एक भैंसा और 5 बकरों का बलिदान होता था, लेकिन महाराज अम्बेद सिंह जी ने इसको बंद करा दिया जी। तो पंचमी को ही होता था और नानता जाते थे, नानता में भैरव जी की पूजा करते थे, करणी माता की पूजा करते थे, वहाँ भी बकरों की बलि होती थी, वो भी बंद करा दी गई जी। और इसके बाद में गढ़ में आशापुरा जी का नवमी के दिन आशापुरा जी का इनके जो कुल देवी हैं उनके मूर्ति है उसकी पूजा होती थी। फिर उसी दिन रंगवाड़ी की सवारी को जाते थे और रंगवाड़ी की सवारी 8 तारीख को भी शाम को आशापुरा का जो मंदिर है दशहरा मैदान में वहाँ पर महाराज जाते थे, सवारी निकलती थी। फिर 9 की सुबह आशापुरा जी की पूजा करके रंगवाड़ी के जाते थे, रंगवाड़ी बालाजी की पूजा करते थे और 9 के आफ्टरनून में खिजड़ी जो वृक्ष है वो गढ़ में है वहाँ उसकी पूजन होती थी। इसके बाद में सवारी जमती थी और सवारी पूरे दशहरा मैदान से मेले से होती हुई रावण वध स्थल तक जाती थी और रावण वध के पश्चात फिर लौट के महाराज का फिर दरी खाना होता था गढ़ में। और उस दरी खाने के बाद में फिर बाद में अगले दिन फिर 2-3 दिन लगातार दरी खाने लगते थे, जिसमें कि नजरें होती थी, महाराज को नजर करते थे, महाराज जिनके निमंत्रण जाते थे उनको इत्र पान बख्शते थे। और इस तरह से आश्विन शुदी पंचमी से आश्विन शुदी 9 दिन ये दशहरा मेला राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाता रहता था। तो बड़ा भव्य मौसम भी अच्छा होता था, वातावरण भी अच्छा होता था और बड़ा भव्य स्वरूप इस मेले का होता था। तो ये सवारी, ये 9 दिन की पूजन, ये दरी खाने, ये और रावण का वध, ये सब विशेषताएं थी जिनसे कि सारे भारत में मशहूर था। और एक और भी बात थी जी, इन तो ये और फिर लास्ट भी हम अगर कहें तो कहीं भी बाहर रहता था दशहरे के टाइम में कोटा जाता था और कोटा आता था तो कोटा दशहरा घूमने भी जाता था। तो वहाँ जितने पुराने नए मिलने जुलने वाले होते थे उनका मिलन स्थल मिलन ये दशहरा होता था। तो इस तरह से दशहरे के अनेक रूपों में और इसीलिए दशहरे का नाम था। अब वो और जो उस तरह की नहीं, आजकल तो वैसे तमाशे वाली सवारी होती थी लेकिन जो राज की भव्यता थी उस सवारी के खत्म हो गई है जी। इसके अलावा पहले प्रदर्शनी नहीं होती थी, आजकल प्रदर्शनियां लगती हैं जी। और पहले सांस्कृतिक उत्सव नहीं होते थे, आजकल सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, लेकिन आजकल सांस्कृतिक उत्सव कोई बहुत स्तर के नहीं होते। हमने इस दशहरे मेले में बहुत ही उच्चतम श्रेणी के सांस्कृतिक उत्सव देखे हैं, जिसमें मन्नाडे को सुना है, हेमंत कुमार को सुना है, मुकेश को सुना है और भी बड़े बड़े हस्तियां आती थी, बड़े बड़े कवि आते एकदम को छोड़ के। आजकल तो कोई ऐसे आते नहीं है ढंग के लोग, सबको देखा है, हरिवंश राय बच्चन को आमने सामने इस मंच पे सुना है। तो ये सारा गोपाल दास नीरज आते थे, गोपाल सिंह नेपाली आते थे, तो बड़े भव्य कार्यक्रम होते थे। और फिर
विभिन्न प्रांतों की टीमें आपसे भंगड़ा वाले आते थे, तो वो बड़े मनोहारी कार्यक्रम होते थे जो आज के जमाने में सर्वथा भाव है। पैसा तो कई गुना खर्च होता है जी, लेकिन उसकी भावनाएं और वो प्रस्तुतिकरण वो सब समाप्त हो गया है जी। निश्चित रूप से मेरे बहुत सारे प्रश्नों को आपने कवर कर लिया है और जो पक्ष रखने थे जी 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 निश्चित रूप से। बस एक बात और है कि जो कोटा का दशहरा है, ये भारत के जो दूसरे दशहरे मेले हैं उनसे क्या मोटे तौर पे जो परिवर्तन आप देखते हैं? कुल्लू में जो दशहरा होता है जी, उसमें ग्रामीण अंचल का प्रभाव ज्यादा होता है कुल्लू की, और कुल्लू की अपनी परंपराएं हैं जी। और इसी तरह से मैसूर में जो सवारी होती है जी, उसमें सोने की चमक दमक बहुत होती है, भव्यता बहुत होती है। मैसूर बहुत बड़ी रियासत का अंग है, विजयनगर उनके सुनहरे सारे साज सामान, और वहाँ भी मैसूर को, तो मैसूर का दशहरा और कुल्लू का दशहरा ये ही दो और प्रसिद्ध दशहरे हैं भारत के, तो दोनों की भी भव्यता आज भी विद्यमान है। लेकिन कोटा के भव्यता आज भी मौजूद है, लेकिन जो पुरानी परंपराएं थी जी, दो तीन चार वो सब समाप्त हो गई हैं, और अब जब नए सिरे से बहुत बड़ी, पहले तो एक था कि कोई बिल्डिंग नहीं थी दशहरा मैदान में जी, अब कई तरह की बिल्डिंग्स बना दी और अब तो पूरा स्टेडियम टाइप बना दिया तो वो सारी बात जो मेले का एक फैलाव होता था जी, वो नहीं रहा जी। और पहले ग्रामीण अंचल की भी बड़ी दुकानें आती थी जी, और अंतर थोड़ा बहुत समय के हिसाब से चलता है, कभी अच्छा। आज भी दशहरा ठीक है, अच्छा है, भव्य है जी, और देखने लायक होता है। उसको और भी अगर नियंत्रित करें, उसका रूप निखारें, तो और भी बेहतर स्थिति। एक थोड़ा सा ये भी है कि जो दशहरे में पशु मेला और जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो लोग होते थे वो आते थे, उनकी पूरी भागीदारी होती थी, कहीं जब वो ग्रामीण थे तो एक कल्चर फिर से जीवंत हो जाता था, उसकी भी कुछ कमी सी रही? नहीं, आपने अच्छी बात रखी, उस बात को मैं भूल गया था कि बहुत सुकुड़ गए। एक जमाने में ये दशहरा मैदान आजा जहाँ दादाबड़ी है ना वहां तक फैलता था, गांव के लोग अपने बैलगाड़ियों में अपने पूरे परिवार को भर के लाते थे और कई कई दिन यहाँ ठहरते थे। बेचने और खरीदने वाले आते थे, उनके डेरे लगते थे जी। तो पशु बाजार अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जी, जो धीरे धीरे सुकड़ के एक मेले के कोने में आ गया, कोने में आ गया, और अब वो भी खत्म हो गया। आज यहाँ आपका जो इसका आयकर कॉलोनी है जहाँ जो मैदान है, इस सारे में बैलगाड़ियां भरी रहती थी, लोग अपने परिवार समेत वहाँ कई कई दिनों रहते थे जी, और वो एक अलग ही रूप प्रदान करता था, वो मेले का एक अलग अंग था और अलग ही रूप प्रदान करता था। तो वो बात भी यहाँ समाप्त हुई है। मेला बहुत एक छोटे से टुकड़े में सिकुड़ कर रह गया है, उसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं जो कि मेले के रूप और भव्यता थी उसको कम करती हैं। अब वो ढंग से वो उसका निरूपण नहीं हो सका है कि बिल्डिंग बनने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लेकिन समय बताएगा कि उससे क्या अंतर पड़ा, क्या अच्छाई आई या क्या कमी रही है। तो ये पशु मेले का एक बहुत बड़ा आकर्षण अब खत्म हो गया है, और उसमें पर यूं है कि अब पहले पशु मेले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते थे, अब पशु मेले में भी किसानों के लिए आने वालों के लिए, हालांकि छोटा रूप है, तो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्लस एक और भी बात है कि इस मेले में कुश्तियों का, अखिल भारतीय कुश्तियों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। यस, मेरे सहपाठी मेरे मित्र इंद्र कुमार जी दत्ता इसके आयोजकों में से एक प्रमुख है, और वो बड़ा आग्रह करके बुलाते हैं अक्सर, और बड़ा अच्छा दंगल होता है जी, और हिंदुस्तान के नामी पहलवान सब वहीं हम देखने को मिलते हैं। कोटा में पहले यूं था कि अलग अलग समय में
कुश्तियाँ होती थी, बड़े बड़े एक दो दो तीन तीन पहलवान आते थे, उनका प्रदर्शन होता था। चंद्रग्राम वगैरह को हमने गढ़ में कुश्ती लड़ते देखा है। और लेकिन जो अभी दशहरे में कुश्तियों का प्रोग्राम करते हैं इंद्र कुमार जी दत्ता, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह से कई सारे साफे की प्रतियोगिता, रूसों की प्रतियोगिता, ये भी अभिनव कार्यक्रम हैं, इनसे भी फायदा होता है। और सांस्कृतिक प्रोग्राम पहले बहुत अच्छे होते थे, उनका स्तर गिर गया है। नहीं तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वो भी दशहरे मेले में सांस्कृतिक कॉम्पिटिशन बड़े अच्छे, ऐसे कई सारे रूपों को जोड़ के इस मेले को प्रदान मिलती थी। और अभी भी इसमें दम है और इस चाहें तो इसको और परिष्कृत कर सकते हैं, मन ही नहीं रहा। लेकिन यह है कि आगे हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर मदद करेगा और ये कार्यक्रम और ये प्रोग्राम और भी अच्छा बन पाएगा, ऐसी हमारी आकांक्षा है। बातचीत के हम बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और सर के पब्लिकेशन हम सर से ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये जो दशहरा है इस पर मूर्ति और उनका समय जी, उसमें कोटा में उस जमाने में जो त्योहार बनाए जाते थे उसमें इन सब का वर्णन है। और दशहरा का भी जो मैंने आपको बतलाया वो विशद वर्णन उस जमाने में प्रत्यक्षदर्शी वक्षी उस कार्यक्रम को लिखते थे और वो वही नीतिमिति होती थी उसमें इन कार्यक्रमों का ब्यौरा रहता था। तो वही नीतिमिति को लेकर मैंने उस जमाने में आज से 1940 में 1930 में 1920 में जो कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों का जो ब्यौरा वही नीतिमिति में होता था वहां से लेकर अपनी पुस्तक उमेश सिंह द्वितीय में उनके उद्धरण दिए हैं और वर्णन किए हैं मूल भाषा में, कहीं कहीं तो मूल भाषा में भी वर्णन किए हैं। तो आज की जनता के लिए बहुत जानने वाली बात है। जो किताब लिखी सर जो ये कंसुआ पर भी एक किताब लिखी है, आपके अन्य जो भी प्रकाशन है? देखिए एक तो पहली पुस्तक तो मेरे कोटा के महाराव उमेश सिंह द्वितीय है जी। फिर एक किताब अजमेर पर मैंने लिखी, अजमेर भी मैं 6 वर्ष रहा हूँ, एमए भी वहीं से किया था गवर्नमेंट कॉलेज से जी, जी। तो अजमेर एंड द मुगल एम्परर्स इंग्लिश में है। ओके। फिर इसके बाद में एक पुस्तक मैंने लिखी कोटा राज्य का जो इतिहास डॉक्टर एम एल शर्मा ने लिखा था जी। उसका पुनः संपादन करके 2012 में छपा है वो राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर से, पर राव नारायण दास नरकेसरी राव नारायण दास पर किताब लिखी है। फिर एक पुस्तक इटर्नल हेरिटेज ऑफ हाडोती इंग्लिश में एक रंगीन पुस्तक है कलर फोटो समेत जी। फिर ये कण्वाश्रम कंसुआ लिखा है जी, जी। ये कण्वाश्रम कोटा में एक मंदिर है कंसुआ में जी, जिसकी स्थापना 712 ईस्वी में हुई थी और 738 ईस्वी में 798 विक्रमी में जी। इसको यहाँ पर जो शासक था धवल मौर्य, इस सारे क्षेत्र का शासक, उसका जो मंत्री था उसने इसकी स्थापना की थी जी। और ये उस स्थापना के टाइम का जो शिलालेख था वो बहुत ही विशिष्ट है। उस मंदिर में 738 का शिलालेख अभी भी लगा हुआ है और उस शिलालेख से ही इस क्षेत्र का, उस मंदिर का इतिहास मालूम है। इतना प्रसिद्ध स्थान था जिसके बारे में वो कम जानते थे, तो मैंने अकेले उस मंदिर पर एक पुस्तक लिखी और वो अभी प्रकाशन में आई है जी। आगे मैं आडा शूरवीरों का इतिहास मैंने लिख के तैयार कर लिया, छपने के लिए है, इतिहास चल रहा है जो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा जी। और इसके बाद में एक फील्ड रॉक पेंटिंग्स का भी है जी। एक क्षेत्र में जंगलों में पहाड़ों में बहुत
शैलाश्य हैं, शैल चित्र हैं, उसको सबसे पहले राजस्थान में मैंने 1978 में आलिया में खोजा था, और इसके बाद में ये बिजोलिया के पास कई स्थानों की खोज की थी। फिर मेरा शिष्य तेज सिंह मावी हैं, जो रावत राजा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, वो राजस्थान के सबसे बड़े एक्सप्लोरर हैं रॉक पेंटिंग्स में। हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, फिर वो जाके और एक्सप्लोर करके आते हैं। और इस तरह से रॉक पेंटिंग्स का हमारे पास बहुत बड़ा काम है, और इन रॉक पेंटिंग्स के ऊपर फिर अब कोई एक प्रोजेक्ट के हिसाब से पुस्तक लिखने का भी विचार है। तो ये सब देखें, ईश्वर अभी 83 की एज है, कितना समय देती है जी। और कितना लिख पाते हैं जी, धीरे धीरे करके देखते हैं जी। तो आप थे डॉक्टर जगत नारायण जी, और मैं अपने सभी सुधी दर्शकों की ओर से और जन सरोकार मंच टॉक की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया, कुछ बात हो गई जी। तो हम मिलते हैं एक बार फिर से किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए